22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा यानी कि रामलला की हुई थी। आपको बता दें कि कहां पर कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर बनाया गया, जिसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और उसके बाद एक जो यहां पर अमित कपूर और विमल मेहरा ने एक इनिशिएटिव लिया, एक सोच रखी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जम्मू में भी एक बहुत बड़ी जो है भक्ति यात्रा निकाली जाए, और उसको लेकर आज हम यहां पर पहुंचे। आज यहां से विशाल जो भव्य अलग अलग जगहों से जम्मू से होते हुए ये यात्रा जाएगी, और यात्रा जो है जम्मू के अलग अलग इलाकों से होते हुए जिसमें कश्मीर घाटी से भी यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं, क्योंकि भाईचारा का संदेश तो देने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये भक्ति यात्रा और क्या कुछ कहा जो ऑर्गेनाइजर्स है। बाहुबली चलेंगे हमारे, और उसके पीछे जो सगरूप आए हैं पंजाब से पानीपत से वो चलेंगे, और उसके बाद एक देखिए ये जम्मू में पहली बार हो रहा है, मंदिरों के शहर में, धर्म भूमि में, और सबसे बड़ी बात रामेश्वर मंदिर से, जहां राजों का हुजूम था, जहां से राजे अपना कार्यभार शुरू करते थे, और यहीं से आज बजरंगबली, बाहुबली और महाबली ये झांकी यहाँ से निकाली जाएगी। ये
भगवान के अयोध्या आने की खुशी में, और जम्मू वासियों को ये बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू में, ये पंजाब में होता था, आज जम्मू में ऐसा दृश्य दिखने को मिल रहा है। और सब जम्मू वासियों ने एक साथ होके आना चाहिए, क्योंकि एक एक कदम का लाखों जन्म इसका फल मिलता है। जब भगवान की झांकी में जाता है, जब भगवान की कथा में जाता है, जब भगवान की यात्रा में जाता है, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। और हमें ये कार्य बढ़ चढ़ के करना चाहिए। तो इसीलिए हर आदमी को किसी बात की शंका नहीं होनी चाहिए, वो हर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो क्या कहना चाहेंगे आज ये जो भक्ति यात्रा यहाँ से? ये तो सबसे पहले हम साधुवाद देंगे, धन्यवाद करेंगे इंसानियत की सेवा जो कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके द्वारा आयोजित ये एक भव्य रैली जो मंदिरों के शहर जम्मू में निकाली जा रही है। और उससे भी ऊपर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि पूरे विश्व को एक मैसेज कोई दिया है कि ये सिर्फ एक धर्म को मानने वाले इसमें शमूलियत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर धर्म हर वर्ग के लोग जो जम्मू वासी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और एक पैगाम, एक मैसेज है अमन शांति और आपसी जो भाईचारा है वो किस तरह दिखा जा सकता है वो हमारे मंदिरों को शायद जम्मू में देखते हैं। कश्मीर से भी देखा गया कि यहाँ पर कुछ कश्मीरी मुस्लिम्स भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ पर आप हर 10 किलोमीटर के बाद एक नया समुदाय, एक नया कल्चर देखने को मिलता है, चाहे जम्मू प्रांत हो, कश्मीर हो, पहाड़ी रीजन हो। तो आज अगर हमारे कश्मीरी भाई बहन भी इसमें शामिल हुए हैं, बहुत खुशी की, हर्ष की बात है। और एक पैगाम पूरे विश्व में जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है एक गुलदस्ता है और यहाँ पर अमन चैन और भाईचारा अगर आपने देखना है तो जम्मू में आके देखिए। ये राम मंदिर अयोध्या निर्माण के ऊपर ये जो अपने यात्रा जो निकाली जा रही है, ये इसका हमारा मेन यही था कि इस यात्रा को बहुत अच्छे से मनाया जाए, बहुत धूमधाम से मनाया जाए। और हर धर्म हर मजहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और हमारे साथ जितने भी हमारे भाई जो हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, हमारे सिख, हमारे हर बरादरी के लोगों ने हमें सपोर्ट किया। और मुस्लिम मंच ने भी हमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है प्रॉपर पूरी सपोर्ट मिली है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं आप देख रहे हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने से अच्छा अगर आप सबको एक विजुअल घुमा के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जम्मू के सारी महान हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे साथ हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है, दिन मंगलवार है, महावीर का वार है और रामलला भक्त यात्रा कुछ ही समय में यहाँ से रवाना होगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस यात्रा में शामिल है। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने यहाँ पर लंगर पानी की व्यवस्था की है। कश्मीर के 50 से अधिक मुस्लिम बहन भाई सब यहाँ पर शामिल हुए हैं और एकता की बात हो जो है यही एक मिसाल है कि सब लोग मिलकर सिर्फ बात कर रहे हैं कि भारत मजबूत हो, भारत जो है तेजी से आगे बढ़े। सर आपका नाम? मेरा नाम एमएलए आशिक है, मैं कश्मीर से आया हूँ और हमारे अमित साहब जो है, अमित कपूर साहब, उसने हमें इन्वाइट किया है यहाँ पे शोभा रैली में। इसको मैं शोभा रैली नहीं कह रहा, महाशोभा रैली कह रहा हूँ। और मैं अपने जो अमित साहब की टीम है, जिससे आपका नाम विमल जी ने, और कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, यही कि नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल से लोगों के साथ जुड़े हैं। और इसके बाद आपके माध्यम से हम अपने वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जब उसने रामलीला उस राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसके साथ साथ ही उसने एक मैसेज दे दी कि एक बड़ी बात मस्जिद का भी इनॉग्रेट किया है और बड़ा एक हॉस्टल उसने इनॉग्रेट किया है वहां पे, जहां पर गरीब लोगों का फ्री इलाज हो सकेगा। आज इसी खुशी में हमें ये सबसे बड़ी बात है, आज हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे हैं, ये भाईचारा कायम रहना चाहिए, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोग। थैंक यू। आपको सुनाया भी और दिखाया भी कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से जो है ये भक्ति यात्रा जो है निकाली गई है, यानी कि शोभा यात्रा, और इसमें महाबली, बजरंगबली तमाम जो देखने को मिले और उत्साह इतना था सबके अंदर इस यात्रा को देखने का, तो मजा भी आया। आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्यालु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।